2022 के रिजल्ट के बाद कहीं ना कहीं हम अपनी रैंक को देखकर एक्सपेक्टेड कॉलेज का सोचते हैं कि इस रैंक पे हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है। उसके लिए हम काफी रिसर्च करते हैं, गूगल पे करते हैं, यूट्यूब पे करते हैं, पर कहीं हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो मेरे पास काफी कमेंट्स आए थे कि दीदी डीयू के मेडिकल कॉलेज की क्लोजिंग रैंक की दीदी एक बार वीडियो बना दीजिए, उससे हमारी काफी हेल्प हो जाएगी। तो आज इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, आई एम रूबी प्रजापति करंटी, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम बीएमसी दिल्ली। तो आज हम बात करने वाले हैं डीयू और आईपी के कॉलेजेस की, जिनकी लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक क्या थी, ये कैटेगरी वाइज हम डिस्कस करेंगे और वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जो मैंने क्लोजिंग रैंक की लिस्ट तैयार करी है, ये मैंने डायरेक्ट एमसीसी की वेबसाइट से जो लास्ट ईयर का रिजल्ट था वहां से निकाली है, और जो भी डाटा कलेक्शन करा है वहां से ही करा है। और ये मैंने राउंड वन और राउंड टू के बेसिस पे ये क्लोजिंग रैंक तैयार करी है। इसे मैंने मोकअप राउंड को इंक्लूड नहीं करा है, क्योंकि मोकअप राउंड की कोई गारंटी नहीं रहती है कि आपको उसमें सीट मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। इसलिए मैंने इसमें राउंड वन और राउंड टू का ही डाटा कलेक्ट किया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम बात कर लेते हैं डीयू के कॉलेजेस की। फर्स्ट कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, जनरल की लास्ट क्लोजिंग रैंक थी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के लिए थी वो थी 1179, और EWS के लिए थी 846। आप यहाँ देख सकते हैं कि EWS की कट ऑफ हाई रही थी एज कम्पेयर टू जनरल। ओबीसी के लिए लास्ट ईयर मौलाना की कट ऑफ थी 7174, और एससी के लिए थी 30339, और एसटी के लिए थी 87338 रैंक। तो ये मैंने जो भी रैंक की बात करी है, मैंने ऑल इंडिया रैंक की बात करी है, मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, सेकंड कॉलेज की बात कर लेते हैं, वो है हमारा UCMS कॉलेज। UCMS में जनरल की कट ऑफ गई थी 3200 एंड EWS की गई थी 4890। अब बात कर लेते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी की UCMS की कट ऑफ थी 7174, एससी की थी 44057, और एसटी की वही बात करें तो 1,67,229। मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया, आप यहाँ से भी देख सकते। थर्ड कॉलेज की बात कर लेते हैं, जो डीयू के अंदर आता है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, ठीक गर्ल्स कॉलेज है। में लास्ट ईयर जनरल की जो क्लोजिंग रैंक गई थी वो गई थी 4666, और ईडब्ल्यूएस की गई थी 9669। ओबीसी की बात करें तो 18151, एससी की बात करें तो 65365 रैंक, और एसटी की वही बात करें तो 1,80,080 रैंक पर आपको लास्ट सीट अलॉट हुई थी एलएचएमसी मेडिकल कॉलेज की। अब बात कर लेते हैं आईपी के कॉलेजेस की, यानी कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। इसमें वीएमएमसी और आरएमएल की जो काउंसलिंग होती है वो एमसीसी के थ्रू ही कंडक्ट कराई जाती है। बाकी के जो दो कॉलेज बचे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और न्यू दिल्ली मेडिकल कॉलेज, इसकी जो काउंसलिंग है वो आईपी कंडक्ट कराती है, इसलिए आपको इसके लिए आईपी का रजिस्ट्रेशन अलग से करना पड़ता है। आईपी में सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज। तो वीएमएमसी में जनरल की क्लोजिंग रैंक गई थी 1582, ईडब्ल्यूएस की गई थी 3441, ओबीसी की बात करें तो 7875, और एससी की बात करें तो 36434, और एसटी की जो लास्ट क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,28,418। ये मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है, आप यहाँ से भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सेकेंड कॉलेज की बात कर लेते हैं ABBIMS, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड आरएमएल हॉस्पिटल। उसकी जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 2833, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी 5139। ओबीसी की कट ऑफ की बात करें तो वहां पे गई थी 10782, और एससी कैटेगरी की बात करें तो 45096, और एसटी की बात करें तो 1,82,681 लास्ट क्लोजिंग रैंक थी आरएमएल हॉस्पिटल की। ओके, अब बात कर लेते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज की, जहां पर जनरल की लास्ट क्लोजिंग रैंक गई थी 2364 रैंक, ईडब्ल्यूएस की गई थी 5776 रैंक, ओबीसी की गई थी 10827 रैंक, और एससी की लास्ट क्लोजिंग रैंक थी 45351 रैंक, और एसटी की थी 1,12,360 रैंक। ओके, अब लास्ट कॉलेज की बात कर लेते हैं NDMC, यानी कि न्यू दिल्ली मेडिकल कॉलेज। उसकी जो जनरल की लास्ट क्लोजिंग रैंक गई थी वो गई थी 2951 रैंक, EWS की गई थी 6045 रैंक, OBC की गई थी 11408 रैंक, SC की गई थी 45980 रैंक, और लास्ट SC की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,25,580। तो ये थी आपकी कट ऑफ, ये भी मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया, आप यहाँ से भी देख सकते हो और इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये थी दिल्ली के मेडिकल कॉलेजेस की कैटेगरी वाइज लास्ट क्लोजिंग रैंक। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब टू माई चैनल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।